इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। के साथ बातचीत करने के लिए जियाउर रहमान बर्क इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूरा अगर हम कहें वक्फ बोर्ड में जो संशोधन सरकार कर रही है, आप लोग लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि कानूनी रूप से हम मुस्लिमों से कुछ नहीं छीन रहे बल्कि महिलाओं की भूमिका को बढ़ा रहे हैं। महिलाओं की कौन सी भूमिका बढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास इनका नारा सिर्फ नारा है और सिर्फ और सिर्फ महिला तो पहले भी उसके अंदर आ सकती थी, उसमें ऐसा नहीं है। और हमारे धर्म के अंदर मुसलमानों महिलाओं का अधिकार अलग है। सरकार जो आज ये बिल लेकर के आई है इसकी हम पूरी मुखालफत में हैं, क्योंकि हम पूछना चाहते हैं, सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जो कमिश्नर के द्वारा सर्वे किया जाता था क्यों उसको हटा करके आप कलेक्टर को दे रहे हो। कलेक्टर के पास जाकर यकीनन आसानी से सर्वे होना, उसकी रिपोर्ट जाना बहुत मुश्किल। इस विषय पर उनका ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हैं जिनका सत्यापन नहीं हो पाया, अब सत्यापन किया जाएगा ताकि चिन्हित किया जा सके कि ये प्रॉपर्टी सही है, वाजिब है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कमिश्नर सत्यापन करते थे तो वो कमिश्नर कोई प्राइवेट आदमी थोड़ी है, वो भी तो सरकार के आदमी है, तो क्यों उन पर भरोसा क्यों उनका नहीं है, क्यों कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हो? सारे काम कलेक्टर कहाँ से कर लेगा? कलेक्टर के हाथ में सारा काम दोगे तो जाहिर सी बात है उनके पर और इतनी जिम्मेदारी रहती है, और इस चीज़ को आकर के आपको लटकाना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो। दूसरा, आप देखें कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहाँ पर उनकी संस्थाओं में समुदाय दूसरे समुदाय के मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं है। आप देखें हरियाणा पंजाब में जो सिख गुरुद्वारा कमेटी है दूसरे समुदाय का व्यक्ति नहीं है, तो क्यों आप वक्फ बोर्ड के अंदर ज़बरदस्ती दूसरे समुदाय को आदमी को डालना चाहते हो? हमें कोई परहेज नहीं है, दूसरे धर्म के लोग अपनी संस्थाओं को चलाते हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारा एतराज़ ये है कि क्यों मुस्लिम समाज के उसमें आप दूसरे व्यक्ति को ला करके इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हो? क्यों हमारी सारी मसाजिद मदरसे सारे कब्रस्तान वक्फ बोर्ड के अंदर आते हैं? जब आप इस पर हमला कर रहे हो, हमारे धार्मिक अधिकार पे हमला कर रहे हैं, तो यकीनन आपका हमला उस पर है। हमारी जो वक्फ की ज़मीनें हैं आपकी नज़र उस पर है, और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से आपने और सरकारी प्रॉपर्टियों को अपने उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में देने का काम किया है। हम अपनी ये खून पसीने की अपने बुज़ुर्गों की इस ज़मीन को हम कभी भी आप खिलवाड़ करने नहीं देंगे कि जो आप हमारे इसके पर हनन कर पाओ। हम इसकी मुखालफत करते हैं, जेपीसी में गया, उम्मीद है कि इस बिल को सरकार तानाशाही से हट करके वापस लेने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।